हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? आई थिंक सारे के सारे अच्छे होंगे और स्वागत है एक बार फिर से आपका बेहतरीन गेम प्ले वीडियो में। ओह सो सो सॉरी सो सॉरी, ये गेम प्ले वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, ये बीसी परचेज के लिए वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे बंदे मतलब डाल रहे थे कि भाई बीसी परचेज नहीं कर पा रहे हैं, विदास भाई बंद हो गया है, ये वो बहुत सारा चीज़ है। तो मैं आपको एक ट्रिक लेके आया हूँ और दिखाऊंगा पूरा कि कैसे आप बीसी परचेज कर पाओगे आसानी से। तो देखते हैं, देखिएगा पूरा बिना स्किप किए, अगर स्किप कर दीजिएगा तो फिर मिस कर दीजिएगा बिल्कुल से, और समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो हमको एक गूगल अकाउंट बनाना है, मतलब कि आपके फ़ोन से जितना भी गूगल अकाउंट हो उसको पहले डिलीट करना है, और उसके बाद आपको एक गूगल अकाउंट बनाना है जाके। मैं बना लेता हूँ अपने नाम से, और कम से कम उसमें 18 साल एज होना ही चाहिए, ठीक है? 18 साल हो जाएगा, और उसको आप पहले बना लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद दो ऐप डाउनलोड करना है, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल से लिंक मिल जाएगा दोनों ही ऐप का, एक है गूगल रिवॉर्ड का और दूसरा है एक वीपीएन का, योर वैन कुछ ऐसे करके, मतलब आपको लिंक मिल जाएगा और नाम भी मिल जाएगा देखिएगा आगे उस वीपीएन का। तो सबसे पहले तो मैं ये गूगल अकाउंट बना लेता हूँ, जो जो प्रोसेस बोल रहा है वो सारा करते जाइएगा आप, नॉर्मल प्रोसेस है, जैसे आपको जैसे बनाते हैं गूगल अकाउंट वैसे ही बनाना है, बट बाद में जो है वो रिवॉर्ड वाला वो बताऊंगा मैं कैसे चेंज करना है उसको तुर्की में, और तुर्की का वेब वो करना है, और वीपीएन भी तुर्की का ही लगाना है, देखिएगा क्या होगा कैसे होता है, और पूरा देखिए, बस मिस मत करिएगा, मिस करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा कहीं, और फिर उसके बाद बोलिएगा कि आपने गलत बता दिया ये वो ऐसे वैसे। और हाँ, एक और बात कि अगर आपको परचेज करवाना है तो मैं भी कर सकता हूँ आपके, आपका आईडी सिर्फ लॉगिन करना पड़ेगा, अपना आईडी पासवर्ड दीजिएगा और पेमेंट पहले भेजना पड़ेगा इसके लिए। और अगर आपको लग रहा होगा कि स्कैम है तो भाई नहीं नहीं भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी टाइम तो कम ही मिलता है, बट मैं फिर भी ट्राई करूँगा कि आप सबका भी कर ही दूँ। तो बस आपको पीसी पीसी अगर करना है तो आप दे सकते हैं ऐसे, नहीं तो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। और हाँ, एक और बात कि आपके पास वीज़ा का कार्ड होना चाहिए, और वो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वाला, मतलब जिससे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो, लाइक कोटक का अगर आपके पास कार्ड हो, या फिर ICICI बैंक का कार्ड हो, ये सब जितने भी बैंक हैं वो उस सबके बैंक का जो कार्ड है ना वो इंटरनेशनली यूज़ होता है, और आप आराम से यहाँ से परचेज कर सकते हैं। हाँ, बस वो थोड़ा सा आपको टैक्स लगेगा, थोड़ा सा 10-15 रुपये, मतलब 20 रुपये के आसपास टैक्स लग जाएगा एक्स्ट्रा, लेकिन हाँ जितना बाई का जो इसमें है 219 में मिलता है शायद, 185 BC है ना, 285 BC, वो आपको 190 में ही मिल जाएगा, ये भी फ़ायदा है, 20-30 रुपये कम ही लगेगा आपको वहाँ से, तो उससे भी फ़ायदा, लेकिन वो टैक्स जोड़ने के बाद भी। तो कोई नहीं, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये गूगल पे हो जाए, जितना भी होता है वो सब कर ले, उसके बाद आपको सीधे वो वीपीएन डाउनलोड करना है और वीपीएन लगाना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीपीएन डाउनलोड कर लिया और वो ऐप भी डाउनलोड कर लिया, रिवॉर्ड वाला ऐप भी डाउनलोड कर लिया। चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। उसमें ऑप्शन आएगा आपको एक सर्वाइव का, सबसे पहले तो वीपीएन लगा लेते हैं, ये देखिए यही वीपीएन है, यू आर बैन फ्री, ठीक है, और इसमें सर्च करना है आपको तुर्की सबसे पहले। तो इंस्टॉल होने के बाद मैं इसे ओपन करूँगा, और अब देखिएगा कैसे मैं तुर्की का वेबसाइट लगाता हूँ इसमें, मतलब तुर्की कैसे वीपीएन में लगाता हूँ, आप भी वैसे ही कर लीजिएगा सेम, और बहुत आसान है, बहुत आसान इंटरफेस है इसका। ये देखिए, आपको पहले सबसे पहले फ्री वाला वर्जन में चला, चूज दी फ्री वर्जन नीचे लिखा हुआ उसमें जाना है, और उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना है, आपको कुछ इनेबल करने के लिए बोलेगा, वो इनेबल कर दीजिएगा बिल्कुल से एकदम, और जल्दी से, मतलब थोड़ा सा फास्ट, तो मैं दिखा रहा हूँ पूरा लाइव दिखा रहा हूँ बिल्कुल से, आप समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बंदे बोलते हैं नहीं ये बहुत पहले का वीडियो है, ये वो ये सभी बोल के बहुत सारे बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है भाई, मैं अभी करके दिखा रहा हूँ फ़िलहाल में, और बोलिएगा तो मैं आपको वो भी दे दूँगा, मैंने जो परचेज़ किया है उसका मेल पे जो मुझे आएगा वो बाद में मैं अगले वीडियो में गेम प्ले वीडियो जो मेरा होता है उसमें डाल दूँगा लास्ट में, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल से वो प्रूफ, और इसमें मैं तो लाइव प्रूफ करके ही दिखा दूँगा कि आपको परचेज़ कैसे करना है कैसे। तो ये देखिए, तुर्की डाला मैंने और उसके बाद वीपीएन कनेक्ट हो गया, मतलब बहुत इंटरफेस बहुत अच्छा है वीपीएन का भी, और तगड़ा एकदम तुरंत ही हो जाता है कनेक्ट, तो कनेक्ट हो गया है, और उसके बाद चलिए चलते हैं हम लोग रिवॉर्ड वाले ऐप में, गूगल रिवॉर्ड नाम सुना होगा आप लोगों ने भी, देखिए यही है, और इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और इसमें देखिए सबसे पहले गिलेड स्टार्ट करना है, या फिर नेक्स्ट करिएगा तो नेक्स्ट 2-3 बार करना पड़ेगा, इसलिए स्टार्ट कर दीजिए, और जो आपने नया तुर्की वाला ईमेल जो बनाया है, मतलब वो जो बनाया है ईमेल, उसको लगाना है इसमें, और उसको लगाने के बाद देखिए आप यहाँ पे टर्न ऑन हिस्ट्री, मतलब लोकेशन आप ऑन करने के लिए वो नो थैंक्स कर दीजिएगा, उसके बाद देखिए अर्न मोर रिवॉर्ड जो है आपको
यहाँ से टर्न ऑन करना है, सॉरी टर्न ऑन नहीं, ऊपर नीचे ऊपर एक और रेडी टू स्टार्ट, वो जो से आपका प्रोफाइल सेटअप करेगा। तो यहाँ पे देखिए करंट में तुर्की आ गया है, और उसके बाद पोस्टल कोड, पोस्टल कोड आप ये डाल दीजिएगा, आपको स्क्रीन पे मिल गया है जो आप वो डाल सकते हैं। उसका नंबर है 28392, ये देखिए आपका स्क्रीन पे आ गया है, तो आप ये डाल दीजिएगा बिल्कुल से। और उसके बाद अपना मेल हो फीमेल हो कोई कुछ भी डाल सकते हैं, और नीचे लैंग्वेज सेलेक्ट है, तो आप तुर्की और इंग्लिश दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। मैं इंग्लिश सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देता हूँ बिल्कुल से। और देखिए ये थोड़ा सा मतलब पहला जो स्टेप करिएगा उसमें आपको गेट स्टार्ट गेस्ट मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना, मतलब कंटिन्यू करना है, वो आपको दिखेगा इसके इन पर इसलिए लिखे क्योंकि वो कुछ थोड़ा सा है। तो आपको दो तीन दो ही चीज़ दो ही बार मांगेगा, वो आपको दे देना। और ये देखिए आपका हो गया है, तुर्की का मेल आपका बन चुका है, ठीक है। और अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपको अपना मतलब इसी VPN से भी ऑन कर सकते हैं, इस VPN को ऑन रखिए और सीधे अपना पबजी ऑन करिए, पबजी लाइट जो है उसको ऑन करिए, और देखिए कैसे मैं करके दिखा दूँ। मैं पबजी में आ गया हूँ बिल्कुल से, आप देखिए मेरा जो बीसी है वो बिल्कुल 1 BC है, आप देख सकते हैं आराम से। और ये नहीं बोलिएगा कि पहले से ही बीसी है उसमें ये वो, ऐसे मैं परचेज़ का भी दिखाऊँगा क्योंकि मैं परचेज़ कर रहा हूँ सामने से, और उसके बाद देखिएगा बढ़ेगा बीसी, 250 BC बढ़ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो जहाँ से परचेज होता है वहाँ जाना है आपको, और आपको कोई भी अपना जो पैक है वो चूज करना है, आप जो भी पैक चूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं बिल्कुल से आसानी। और देखिए ये 76 वाला जो है ये आपको लगभग 50-51-52 के आसपास में ही मिल जाएगा, मतलब 60 के अंदर ही मिल जाएगा वो, 76 का है 60 में ही मिल जाएगा आपको। अब देखिए ये जो कंटिन्यू किया मैंने, तो उसमें आपको इसमें आया कि 18.99 नहीं मतलब 19 ट्राई, जो कि है वहाँ की करेंसी है वो, जो 19 चाहिए तो मिलेगा मुझे ये 1285 BC। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि गूगल का कुछ पैसा वो उसमें से कटाऊँगा। तो देखिए गूगल में ऐड करने का ऑप्शन आएगा बिल्कुल से, उसमें आपको डेबिट कार्ड और रिडीम कोड आप ना यूज़ करें क्योंकि भाई बहुत बड़ा, या तो ज़्यादा का ख़रीदना पड़ेगा, या तो मतलब फिक्स आएगा कि 200, 300, 400 ऐसे ख़रीदना पड़ेगा, और वो सब वेस्ट होगा आपका फ्री में। तो उससे अच्छा है कि आप ना अपना डेबिट कार्ड जो कि इंटरनेशनल यूज होता है जो उसमें उसको यूज़ कर ले अपना डेबिट कार्ड नंबर से। और ये देखिए बस सिक्योरिटी के कारण ही नहीं दिखा रहा है बिल्कुल से, तो मैं अपना डालता हूँ और कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। और इसको डालने के बाद देखिएगा मैं डाल दूंगा, और उसके बाद अपना मेरा आ जाएगा देखिएगा कार्ड कैसे।
वो हुआ, और उसके बाद देखिए अब आ गया मेरा वीज़ा कार्ड, मैंने वीज़ा जो कार्ड ऐड किया है वो आ गया, और बस अब उस कार्ड को टिक कार्ड पे टैप करना है और सीधे आपको पेमेंट कट जाएगा। अगर आपका ऐसे ऐसे बैंक का होगा तो फिक्स है कि अपने आप कट जाएगा पैसा, क्योंकि 2000 रुपये तक ऐसे ही कॉन्टलेट मतलब बिना OTP के ही हो जाता है, तो कट जाएगा वो पैसा। पहले सबसे पहले तो आप ऐड करिएगा तो आपको 18 रुपये कुछ पैसा कट जाएगा, वो चार्ज जो है वो कट जाएगा, उसके बाद बाकी आप जो परचेज़ करिएगा वो कटेगा आपका, देखिएगा। तो मैं टैप करता हूँ जल्दी से, और उसके बाद आपको अपना जो ईमेल बनाया है उसका पासवर्ड फिर से आपको डालना होगा, पासवर्ड मांगता है तो पासवर्ड डालना है आपको, सही से पासवर्ड डालिएगा और सही डालने के बाद वेरीफाई कर दीजिएगा, और आपका ये देखिए परचेज हो गया है। आपको एक और चीज़ मांगेगा, यस या नो करना है, तो आप यस कर दीजिएगा, पेमेंट से यस कर दीजिएगा, और ये परचेज सक्सेसफुल देखिएगा हो गया, ठीक है। पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, और अब देखिए कुछ देर में ही BC मेरे अकाउंट में आ जाएगा, आप देख लीजिए कैसे आएगा, क्या अभी फ़िलहाल अभी तक भी BC नहीं आया है, लेकिन अब जो मैं रिफ्रेश होगा उसके बाद थोड़ा सा बैक करूँगा तो BC बिल्कुल से मेरे अकाउंट में अभी तक नहीं आया है। और देखिए आप परचेज होने लिखा, देखिए BC आ गया मेरे अकाउंट में, देखिए थोड़ा सा हुआ, और देखिए ये 185 BC आ गया मेरे अकाउंट में, 1 BC पहले था तो 186 हो गए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और ये ट्रिक बहुत ही मेहनत से लाया भाई, तो कर देना भाई, एम करते हैं 100 लाइक भाई, प्लीज़ कर देना। फर्स्ट वीडियो ऐसा बना रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे इसलिए, एंड कल से फिर से गेम प्ले तो बन ही रहा है, तो गेम प्ले में भी आ जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।